अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खुश होंगे, COVID-19 से फाइट कर रहे होंगे और आप लोग अपने घर में होंगे। स्टे सेफ एट होम, क्योंकि डॉक्टर्स अगर आपके लिए बाहर हैं तो आपको डॉक्टर्स के लिए घर पे रहना पड़ेगा। सो गाइस, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ वो है हाउ टू मेक फ्लावर्स बाय ऑन सेल्फ फॉर अ सिंपल ड्रेसेस, ईजी एंड यूजफुल टिप्स एंड मस्ट वॉच। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हैं, बहुत ही ईजी हैं और इस तरह के आप डिफरेंट फ्लावर्स बना सकते हैं अपने घर में बैठ के। और अगर COVID-19 से फाइट करना है एंड यू वॉन्टेड टू बिजी एट योर होम, तो कुछ तो करना पड़ेगा गाइस, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप लोग को आनी चाहिए और बहुत ही अच्छी लगती हैं जब आप सीख जाते हो इन सारी चीज़ों से, तो ये बहुत ही अच्छी हैं, आप लोगों को सीखनी चाहिए। मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, आप भी फ्लावर बनाओ। पिक्चर वन में आपने एक लॉन्ग स्ट्रिप्स के साथ एक लंबा सा कपड़ा बना लेना है, लंबी चीज स्टिक के साथ। और उसमें जो है आपने क्या करना है, या तो चूड़ी या कंगन या फिर आपने मग का साइज लेके उसको राउंडेड पेंसिल के साथ निशान लगा देना। जब आप उसे पेंसिल के साथ निशान लगा देंगे तो देन आप क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे। आप उस पूरे सर्कल को कट कर देंगे। आई रिपीट कि पिक्चर नंबर वन में आपने लॉन्ग स्ट्रिप्स ली, पिक्चर टू में आपने उसे मार्क किया, पिक्चर थ्री में आपने उसे मार्क करने के बाद उस पिक्चर्स को कट कर दिया। उस पूरे कपड़े को उसी लाइन के साथ आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। जब वो कट कर देंगे ना आप उसको, फिर आपने क्या करना है, फोल्ड कर देना है। जिस तरह से हम अपनी कश्ती बनाते हैं ना, उस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, नंबर टू में देखें या नंबर फोर इमेज में देखें, आपको सर्कल जो है वो कट हुआ नज़र आ रहा है, बहुत नीटली एंड क्लीन। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, मार्किंग करके कट किया था। अच्छा, पिक्चर फाइव में आप क्या करेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे। आपने उसको फोल्ड कर दिया, दैट मीन्स हाफ मून। आफ्टर सिक्स पिक्चर में आप देखें, आपने उसको स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। अपने सेंटर से फिंगर रखेंगे, देन आप उसको कवर कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप कर देंगे। जब आप उसको ओवरलेप कर देंगे तो उसको आपने सेंटर के साथ पकड़ना है, मतलब ऊपर वाली नोक के साथ पकड़ के आपने स्टिच करना, सुई में धागा डालना है जो भी आपको कलर पसंद हो। ठीक है, सुई में धागा डालने के बाद आपने जो है इसको सिलाई करना स्टार्ट कर देना है। पिक्चर नंबर सिक्स में देखें, उसमें मैंने सुई में धागा डाला था, देन उसमें मैंने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया। सिलाई करना जैसे स्टार्ट कर दिया, आपने आराम से उसको धागे को खींचना है आराम से, ताकि एक पत्ते का शेप जो है उसमें बन जाए। जब उसमें पत्ते का शेप बन जाएगा तो आपने पिक्चर नंबर सेवन में क्या करना है, इसी तरह से सारे लीव्स बनाने हैं, जैसे पिक्चर नंबर सिक्स में मैंने बताया। स्टिच भी इस तरह से करने, स्टिच करके आपने इस तरह से एक फ्लावर तैयार कर देना है, जिस तरह से आपको पिक्चर नंबर एट में नज़र आ रहा है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, इसमें लीव्स लगा के जो, और इसमें जो छोटे छोटे से चुनट से आ रहे हैं, इस तरह से आपने धागे को लाइट सा खींचोगे, ज़्यादा नहीं खींचोगे। जब ज़्यादा खींचोगे तो वो सुखड़ जाएगा, ज़्यादा सुखड़ जाएगा और वो एक्चुअल लुक नहीं देगा। ठीक है, नाउ पिक्चर नंबर नाइन में आप देखो, जो फ्लावर का सेंटर था उसमें हमने एक वो लगा दिया, कपड़ा बोल दें, या फिर आपके पास अगर जो बखमल टाइप के जो ड्रेसेस होते हैं उसमें से अगर आपके पास कलर डिफरेंट कलर में मिल रहा है तो आप इसमें सेंटर में आपने इसको रख देना है, मतलब चिपका देना है। अब ये चिपकाएंगे किसके साथ, ग्लू के साथ, जैसे हम बटन वगैरह लगाते हैं अपनी आर्ट्स डिज़ाइंस में। ठीक है,
इस तरह से आपने दो फ्लावर्स बनाए थे, फ्लावर्स को अगर आप चाहो तो दो बनाओ, अगर आप चाहो तो सिंगल बना लो, डजेंट मैटर, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप एक बनाओ या दो बनाओ या तीन बनाओ। आपने इस तरह से रखा, देन फ्लावर के ऊपर फ्लावर पेस्ट कर दिया। आफ्टर पेस्टिंग आपने जो भी आपको मोती पसंद हो या जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो, आपने उसके सेंटर में रख देना है। रख दिया सेंटर में, रखने के बाद आपने अगर इसको और भी मज़ीद खूबसूरत बनाना है तो लेसेस आती हैं, वो आपने लीव्स के कॉर्नर्स पे लगा देनी है। मैंने नहीं लगाया था, मैंने आपको इसी तरह से दिखाया है कि मैंने इतना सिंपल बनाया है। अगर आप इसको खुद इन्वॉल्व करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा, मुझे पिक्चर सेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर अपने दिखाइएगा कि आप लोगों ने बनाया है, कैसे बनाया है। तो मैंने जो बनाया वो आप लोगों के सामने मैंने हर एक पिक्चर को एक्सप्लेन कर दिया है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। आप मुझे ज़रूर दिखाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाए और मुश्किल ना हो। और जो मैं स्टिचिंग वाला काम आपको सिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत वो आप लोगों को आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल सा है और ये आप लोगों के ड्रेसेस पे बहुत खूबसूरत से लगता है। सो लव फॉर ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इन फ्लावर्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो लव है, ये लव भी बहुत ही खूबसूरत मैंने बनाया है। आपने कपड़ा लेना है फ्रेम में और उसको इंसर्ट कर देना है फ्रेम के अंदर टाइटली। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आप लव लिखो, आप कुछ भी लिखो, आप किसी का नाम लिख दो, आप अपना नाम लिख दो या कुछ भी कर दो। तो इसमें जो है वो मैंने क्या किया, लव लिख कर उसको स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है।